अमल तो इस पाकिस्तान का दोस्त कोई एक नहीं, मकसद बेताशा अमल इस पाकिस्तान में ऐसे हो रहे हैं जो गलती हो रहे हैं टोटल। अच्छा उसमें मेरी और मकसद आप भी क्या है, कैमरा लेकर आप आ गए, आप भी जो जॉब कर रहे हो यार। बात दरअसल ये है कि अब आप वो गन्ने की मशीन वाला देखें, वो सामने खड़ा हुआ है, 1200 रुपए का या 900 रुपए का कुंडा फिक्स कराता है, वो 3 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है। वो रात दिन मंडी बिजली मंडे, एक केला, एक गुलाब के फूल बेचने वाला, हार बेचने वाला 180 बल्ब लगा के रखता है अपनी उसके ऊपर। अच्छा इसका बिल वो कहाँ से दे रहा है? वो उसके दिन भर में इतनी सेल है कि वो एक दिन का बिल दे सके? नहीं दे सकता। मेरे दोस्त इसको अगर कंट्रोल करना है तो बोलो अपने गिरेबानों में जागो और अपने आप को सही करो। केसी का तार वो मार्केट है, होलसेल मार्केटों के अंदर, वो सॉरी कपड़ा मार्केटों के अंदर आराम से बिक रहा है, तुल तुल के बिक रहा है, केसी का तेल बिक रहा है। अच्छा देना किसको है मेरी जानी? हमारे को देना है, ये आपको नहीं देना, ये किसी देना है हमको? ये अच्छा हमारी जायज काम करने वाले, बिल्कुल लीगल काम करते हैं हम लोग, खुदा की कसम एक एक रुपए का हमारे आगे तार निकाल देते हैं, क्योंकि हम और हमें ऑप्शन देते हैं कि कुंडा लगा लो, कुंडा पास करा लो। अच्छा हराम की तरफ आप हमें ले आ रहे हो, गलत की तरफ हमें ले आ रहे हो, और फिर आगे आप भी आगे माइक लेके पूछने चले जाते हो, वो भी आ जाते हैं कहते हैं सर तुम हमारा ही पेट भर दो। तो दोस्त माफ, मैं तो कहता हूँ कि माफ कर दो इस पाकिस्तान को अल्लाह के वास्ते, अब माफ कर दो, वह बहुत हो गई है। 60 साल मंड दिया इसको और कितना मंडोगे यार? एक दफा मंड दो, दो दफा मंड दो, तीन दफा मंड दो कभी किसी शक्ल में। और वाकई कुछ चाहते हो तो वाकई में हम बताएं सोल्यूशन इसका क्या है, दे दो अल्ताफ भाई के हाथ में मुल्क को, हकीकत बता रहा हूँ, ये दे दो अल्ताफ भाई के हाथ में, और फिर देखो इस मुल्क की चांदी कैसी होती है। एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि अच्छे लोग हैं ही उनके पास। अल्ताफ भाई का हिसाब किताब ऐसा चलता है कि एक आदमी जो ना आगे पीछे नहीं हो सकता, फिर अल्ताफ भाई को हिसाब भी लेना आता है। हकीकत भी यही कि वो हिसाब ले, ऐसे आदमी की जरूरत है, ऐसे आदमी को आप भेजाते तो लंदन, अब उनके हाथ पांव जोड़ के लेकर आओ, उनको मना के लेकर आओ कि आ जाओ हमारे मुल्क में, जब हमारे तो कुछ हो सकता है। वरना दोस्त आप भी माइक लेके ऐसी खड़े होगे, मैं भी धूप में कैप ला के ऐसी खड़ा रहूंगा और अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। मैं गुजर तो जानी है, गुजर तो कुत्ते की गुजर जाती है, वो भी गुजारी लेता है जिंदगी अपने को, जरूरी नहीं कि बंगले में पल्ला तो पलेगा, वो रोड पे फिर कहीं पल लेता है। तो दोस्त फिर आखिर में वही कहूंगा आपसे कि अल्लाह के वास्ते माफ कर दो इस पाकिस्तान को, माफ कर दो इस पाकिस्तान को, माफ कर दो। बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा। आप उसको बोलते हैं कि ये कुंडे, आप जाए बस्तियों में जाए, 1 लाख बल्ब जलता है रात के टाइम, 1 लाख बल्ब, 1 लाख बल्ब का आप हिसाब तो लगाओ कि क्या क्या वोल्ट, 100 वाट का एक बल्ब भी लगाओ तो कितना वोल्ट हो गया आपका। आप उन गरीबों को सेवर आप बांटने की बात हो, वजीर अला सिंह हमारे अभी अभी वगैरह हम 1 लाख सेवर बांटेंगे, अरे क्या बांटोगे, वो भी किसको बढ़ेगा? हम सब समझते हैं किसको बढ़ेंगे वो 1 लाख सेवर, वो दुखे बैठेंगे दुकानदारों को, आपको मुझे नहीं बढ़ेंगे। आप बांटो नहीं, आप उस सेवर को 20 रुपए का कर दें, ओनली 20 रुपए का सेवा, बल्ब को जलाने वाले की वाट लगा दो, जो बल्ब जलाए ना उसके घर में ऐसा लगाओ कि उसको पता चल जाए, और बल्ब आप 20 रुपए का हर दुकान से 10-20 रुपए का बल्ब सेवर मिल रहा हो, तो एक सेवर 15 वाट लेता है, एक बल्ब 100 वाट लेता है, तो अगर आप 85 वाट हर घर से आपको ना, एक घर में 10 बल्ब जलते हैं तो 850 वाट आपको रोज बचेंगे मेरे दोस्त। आप सिर्फ सेवर जलाएं, सेवर, और सेवर को करें सस्ता, कहीं ना कहीं तो आवाम के बारे में सोचो ना यार, थोड़ा तो सोचो। लोड शेडिंग के यहाँ पे